से स्वामी प्रसाद मौर्य का कनेक्शन जोड़े जाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा के सीपी आलोक सिंह के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का केस करूंगा। दरअसल नोएडा के सीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी का नाम लिया था, छेड़कर आरोप लगा दिया कि श्रीकांत त्यागी का संसद मौर्य से ममता, जबकि जिस गाड़ी के पास का हवाला दे रहे हैं वो पास ही फर्जी है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है पुलिस कमिश्नर नोएडा का ये सारा का सारा खेल है, षड्यंत्र करके उन्होंने मेरे नाम को बदनाम करने की नापाक कोशिश की है और साथ ही साथ एक इतना बड़ा अधिकारी जो एडीजी स्तर का अधिकारी है, बहुत वरिष्ठ आईपीएस अफसर है, डीजी होने के लिए एक ही पायदान अभी बाकी है और उसकी हरकत कांस्टेबल से भी ज्यादा गई गुजरी है कि बिना जांच पड़ताल किए मेरा नाम उसने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बोला। प्रदेश और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने उस खबर को देखी और पढ़ी और सुनी। उसने तो मेरे पूरे छवि को पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में तहस नहस करने की कोशिश की है। उसका जो ये घिनौना कृत्य है और जिस तरीके से बिना जांच पड़ताल के उसने मेरे नाम को बदनाम किया है, स्वाभाविक रूप से आईपीसी के तहत उसने दंडनीय अपराध किया है और इसके लिए तो अगर वो सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगेगा तो हम उनके खिलाफ मानहानि का दावा भी पेश करेंगे। खबर मुरादाबाद से, जहां पर सपा